हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लौकी का रायता बनाना सिखा रही हूँ। और लौकी का रायता वो भी दो तरह से, दो अलग अलग तरह के देखेंगे हम लोग कि कैसे बनाना है। और आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं हो किया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए देखिए इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं। हमारा जो सबसे पहला तरीका होगा रायता बनाने का, उसमें ये मैंने कद्दूकस कर लिया है, लौकी को घिस लिया है अच्छे से, और साथ में करीब 1 किलो या 1 लीटर इसमें दही लिया है, कर्ड। और इसके अलावा हमारे पास में राई, जीरा और हींग, साथ में नमक, मिर्ची, हल्दी। ये पहले तरह के लिए होगा। और दूसरे तरह में हम काली नमक और काली मिर्च लेंगे। ये देखिए इसमें हमने करीब 1 चम्मच भर के तेल डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना है हमको इसमें। और जब ये गर्म हो जाता है तब इसमें हमने राई दाने डाले। राई दाने को अच्छे से चिटकने देंगे हम लोग। जब ये पूरी तरह से, देखिए आवाज़ आ रही है इसमें बहुत अच्छी। साथ में इसमें जीरा डालेंगे और ये जो हींग हमने रखी हुई है ये डालेंगे। अब क्योंकि हमें दो तरह से बनाना है, इसलिए इसमें से मैंने आधा लौकी का आधा पार्ट लिया है, आधा पार्ट में दूसरे दूसरी तरह के रायता बनाने के लिए लूँगी। इसमें अब देखिए हम लोग इस तरह से हल्दी पाउडर डाला अपन ने करीब आधी चम्मच भर के, थोड़ी सी मिर्च पाउडर डालते हैं, साथ ही स्वाद अनुसार नमक, जो कि मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है, क्योंकि अब हमको जब दही डालेंगे तब इस समय पे हमें ये डालने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये डाल दिया हमने और इसको अच्छे से चला करके इस तरह से हिला दिया और हमने इसको ढक देंगे। ढकने के बाद इसको करीब 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। बीच बीच में इसको देखिए अच्छे से पकना शुरू हो गया है। बीच बीच में हम इसको 1-2 बार चला लेंगे और करीब 2 से 5 मिनट इसको अच्छे से पकने देंगे। एक बार हम और बंद कर देते हैं। ये देखिए ये अब अच्छे से पक गया है। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने रख देंगे। ठंडा करने के लिए करीब 15 से 20 मिनट इसको हमको छोड़ना पड़ता है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमने रख दिया। और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। हमने यहाँ पर जो पहले से दही रखा हुआ है, इस दही को इसमें हम इसके हिसाब से, इसके जो भी आपको गाढ़ापन रखना हो, जितने भी थिकनेस रखना हो उसके हिसाब से इसको मिला देंगे। ये देखिए अब ठंडा हो चुका है। तो अब इस ठंडा हुआ वाले हमारा जो लौकी है इसमें हम, ये देखिए हमने यहाँ पहले से ही फेट करके दही रख लिया है। इसको डालते जाएंगे और थोड़ा सा चला के देखेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हम चलाते जा रहे हैं और येलो कलर का ये बन जाएगा रायता। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा गाढ़ापन और पतला करना है हमें, तो इसमें जो थोड़ा सा दही और रखा हुआ है उसको हम डाल सकते हैं। आइए देखें कैसे। डालने के बाद में हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और ये सर्व करने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं दूसरे तरह के रायते को क्या करना है। इसके लिए हमने जो पहले से हमने ये जो आधी लौकी बचा के रखी थी, इस आधी लौकी में ये देखिए उबलता हुआ पानी है मेरे पास में करीब 1 से 2 1.5 ग्लास के आसपास।
इस 1.5 ग्लास के पानी को, उबलते हुए पानी को हम इस तरह से डाल देंगे और थोड़ा सा आंच तेज करके लौकी को एक उबाल आने तक उबाल लेंगे। ये देखिए एक उबाल आना शुरू हो गया है, तो इसको हम सिर्फ 2 मिनट के लिए रखते हैं और 2 मिनट के बाद में इसको छन्नी में डाल देंगे इस तरह से, इसको छान लेंगे और करीब 10 से 15 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए ठंडा हो चुका है, इसको अब हम फटाफट पहले से फेटे हुए दही में मिला देंगे और इसके साथ ही जितना भी हमारे पास में बचा हुआ है लौकी, इस तरह से हमने मिला दिया। इस लौकी में यहाँ पर पहले से हमने देखिए काला नमक रखा है, थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्ची और नमक, ये इस तरह से मिला दिया कि इस तरह से 1 चम्मच तेल गरम किया हमने, उसमें थोड़ा सा राई, जीरा और हींग इसका तड़का लगाया और इस तड़के को हम गरम गरम इस बनने वाले रायते में डाल देंगे। आप देखिए प्लीज़ दोनों तरह के रायते हमारे तैयार हैं, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।